फिर 1 अक्टूबर यही होता है।
फिर इसी क्षेत्र में फोन जाता है मिस कॉल, वो कॉल बैक करता है, फिर उसको इशारा किया जाता है फलानी जगह आ जाओ, किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख। ये आप और हम सोच भी नहीं सकते जिस स्तर पर इन्होंने बिहार की राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया। और मैं फिर दोहराता हूं, इस तरह का निफेरियस डिजाइन, खटिया चीज, आपराधिक प्रवृत्ति, बिना सत्ता प्रतिष्ठान, मुखिया और मुखिया, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, उनके सलाहकार मंडली के लोग के बगैर संभव नहीं है। मैं फिर से एक बार BSNL को आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, ये भी तो हाल के हितों का, ये सारे कॉल डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं। और हमने तो अभी समाप्त करता हूं। जय हिंद।
तेजस्वी यादव को फंसाने की जो साजिश की जा रही है इसको लेकर FIR किए हैं, किसी बड़ी अधिकारी से मिले हैं? पहले तो हम उस FIR का इंतजार कर रहे हैं, उस FIR में समन का एक प्रोविजन होता है, वो बहुत बातें कहेंगे, बहुत चीजें कहेंगे। जिस दिन हाथरस की खेती के लिए हमने नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन एक मिनट का मौन रखकर एक सॉलिडारिटी मैसेज दिया, आप तो बाकी मुद्दों से परेशान थे, इस मुद्दे ने भी आपके सौ के नीचे की जमीन हिला दी और नतीजे में आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। एक एक चीज का, अरे पुलिस आपकी, महात्मा आपका, आप नौटंकी क्यों करवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? हेडलाइन मैनेजमेंट का वो नहीं चलेगा, फांसी पर लटका दीजिए अनुसंधान के बाद, लेकिन अनुसंधान में सीमेंट द्वारा अपने घर से मत डलवाइए। मैं उसी मामले में निकाल जो मेरा इंस्पेक्टर यह बयान, अरे पुलिस आती है साहब, अनुसंधान करिए, लटका दीजिए तेजस्वी यादव को फांसी पे, लेकिन अनुसंधान में सीमेंट द्वारा मत डलवाइए, अनुसंधान को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए। और हेडलाइन मैनेजमेंट जिसके मुख्यमंत्री की उस्ताद है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर है तमाम के, तो मैं समझता हूं कि सबको समझ में आ रहा है कि ये चुनाव नीतीश जी के अवसान का चुनाव है, वो समकालीन भारत बिहार की राजनीति के रूप में जा रहे हैं। जय तो ये जो नंबर जुड़े